साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज देश दुनिया में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। सभी कृष्ण भक्त आज भक्ति में डूबे हैं, कृष्ण के रास लीलाओं को याद कर रहे हैं और कृष्ण भक्ति में इस तरह डूबे हुए हैं कि पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया है। घर हो या फिर बाजार, हर तरफ जन्माष्टमी की धूम है। कृष्ण कन्हैया के कपड़ों से लेकर बांसुरी मुकुट सब कुछ सजा हुआ है। रंग बिरंगे कपड़े देखने को मिल रहे हैं, लोगों ने खरीदारी कर ली है और अब बारी है तैयारी की, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की। जिस तरह से एक बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जन्म मनाया जाता है, उसी तर्ज पर आज देश दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म भी मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। घर में मंदिरों को सजाया गया है, श्री कृष्ण के जन्म की पूरी तैयारियां हैं। माखन मिश्री का भोग लगेगा, मंदिर में 56 भोग लगेगा और आज श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हर कोई उत्सुक नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में अभी हम रुक करेंगे लखनऊ स्थित इस्कॉन टेंपल का, जहां पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और वो हमें पूरी तैयारियों का जानकारी देंगे। और इसी खबर पे, इसी उत्सव पे आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता नितिन, जो कि लखनऊ स्थित इस्कॉन टेंपल पे मौजूद हैं और वहां की तैयारियों के बारे में हमें जानकारी देने वाले हैं। नितिन, कैसी देखने को मिल रही है इस वक्त तैयारियां, क्योंकि अंतिम तैयारियां हैं, अंतिम छोर पे हैं और जो इस वक्त माहौल है कृष्णमय हो गया है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हरे कृष्णा हरे रामा के नारे लग रहे हैं। और साफ तौर पर, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ देश में नहीं, सिर्फ प्रदेश में नहीं, पूरी दुनिया में मनाई जाती है। और इस वक्त हम लखनऊ के इस्कॉन टेंपल में हैं। इस्कॉन टेंपल में आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं, वो लगातार यहाँ पर अपने जो उनके श्री कृष्ण हैं उनके दर्शन कर रहे हैं और किस तरह से मनाना है उसको लेकर के तैयारियाँ हैं। सुबह से ही भोग की जो तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं। हर तरह से अलग अलग तरीके से जो तैयारियाँ थी वो तैयारियाँ जो हैं सुबह से ही चल रही थी। आप ये देखिए, यहाँ पर माँ अभिषेक का स्टॉल बना हुआ है और यहाँ पर जो जो अभिषेक करने का जो स्टॉल है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से स्टॉल के जरिए और यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के जरिए जो अभिषेक करने की प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा यहाँ पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए, पूरी लाइन लगी हुई है। लगातार सुबह से ही ये जो लाइन है ये लगी हुई है और लगातार सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। मैं आपको और दिखाना चाहूँगा अंदर की किस तरह से अभिषेक होता है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं शिखा प्राइम टीवी के दर्शकों को। और ये देखिए कितनी मनमोहक तस्वीर भगवान कृष्ण की, राधा माता की, और यहाँ पर जो अभिषेक की तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं। और हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या प्रक्रिया है, किस तरह से अभिषेक हो रहा है। राधे राधे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आज अभिषेक आप लोग कर रहे हैं, आज जन्मोत्सव है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रक्रिया है? तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, भगवान के जन्माष्टमी के दिन अभिषेक किया जाता है। दूध, दही, घी, शहद और 1008 तीर्थ के जल से यहाँ पे अभिषेक किया जा रहा है। तो भक्त लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का जब जन्म होता है तो उस समय भगवान जब जन्म लिया था तो भगवान का अभिषेक होता है। भगवान को बहुत आनंद आता है, इससे भगवान की सेवा है, तो वही यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें क्या श्रद्धालु जो है वो अपनी तरफ से अभिषेक करने के लिए जो आपने सामग्रियां बताई हैं वो भी दे रहे हैं, या फिर ये मंदिर की तरफ से? ये मंदिर की तरफ से है। जिनको भी अभिषेक करने की इच्छा है वो अपना लिस्ट में नाम लिखवा लेते हैं और फिर उसके हिसाब से यहाँ पे आके अभिषेक करते हैं, ताकि यहाँ पे किसी प्रकार से केओस क्रिएट ना हो। तो अभिषेक करने की प्रक्रिया के बाद का अगला चरण क्या है, क्योंकि 12 बजे तक का तो इंतजार है जन्म होने तक का, तो क्या तब तक ये अभिषेक इसी तरह से? हाँ, ये अभिषेक चलेगा और उसके बाद महाअभिषेक वहाँ ऑल्टर में होगा सामने। अच्छा। तो यहाँ श्रद्धालु कर सकते हैं, वहाँ पे केवल जो मंदिर के ब्राह्मण हैं जो सेवा करते हैं भगवान की, मेन विग्रह का अभिषेक वहाँ पे होता है। मतलब ये कहा जाए कि यहाँ पर आम पब्लिक के लिए भी अभिषेक करने की प्रक्रिया? जी जी, आम पब्लिक के लिए। तो आप बिल्कुल शिखा देख सकते हैं कि यहाँ पर आम पब्लिक के लिए भी जो अभिषेक करने की प्रक्रिया है वो चल रही है। और इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो साफ तौर पर यहाँ पर आम पब्लिक जो है वो अपनी जो अभिषेक की प्रक्रिया है वो पूरी कर सकती है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सामने जो भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा है, जहाँ पर लगातार जो जो मंत्र है उनका उच्चारण हो रहा है, लगातार वहाँ पर लोग जो है दर्शन कर रहे हैं। रात में 12 बजे जो मंदिर के प्रांगण है वो यहाँ पर जाकर के उस जगह पे उन मूर्तियों का अभिषेक जो है वो करेंगे। और भी जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये तो हमने आपको दिखा दिया कि अभिषेक किस तरह से होगा और किस तरह से हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अलग अलग
स्टॉल्स लगे हुए हैं और इन स्टॉल्स में कौन बनेगा कृष्णा एक प्रतियोगिता के तौर पर यहाँ पर चलाई जा रही है और यहाँ पर एक जो कंपटीशन है वो कंपटीशन चल रहा है और वहाँ पर देखिए किस तरह से लोग जो हैं वहाँ यहाँ पर इकट्ठा हैं और सब कहीं ना कहीं आज दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये वो तस्वीरें थी, आइए अंदर फिर चलें जहाँ पर इस वक्त जो मेन मंदिर है जहाँ पर मेन पूजा हो रही है और जहाँ पर आखिरी में जो अभिषेक होना है, जहाँ पर जो श्रद्धालु जो है सुबह से ही पूजा करने के लिए आए हुए हैं, हम वहाँ पर भी चलते हैं, वहाँ पर भी जी। नितिन, अगर बात करी जाए भगवान के प्रसाद की, भगवान के भोग की, तो उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, कि भगवान के लिए 56 भोग तैयार हो चुका है। हाँ बिल्कुल, मैं शिखा वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ, जो यहाँ पर सुबह से ही और बोला जाए तो कई दिनों से सेवा में लगे हुए हैं और मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। राधे राधे। मैं ये कह रहा था कि जो भोग लगाने की प्रक्रिया है, प्रसाद की प्रक्रिया है, वो कैसे चल रही है, कितने दिनों से चल रही है और अभी तक कितना क्या हुआ? देखिए, आज भगवान का आविर्भाव दिवस है, चूंकि भगवान अजन्मा है, भगवान भक्तों को प्रसन्नता के लिए जन्म लेते हैं, ये भगवान की बहुत ही प्रेममयी लीला है। तो जाहिर सी बात है, आज हम लोग भगवान के आविर्भाव दिवस के रूप में आज हम लोग उपवास रखते हैं, तो इसमें उपवास में आज हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। जो एकादशी का पालन करना होता है नियम का, वही हमारा रहेगा, हम लोग अन्न नहीं लेते, ठीक है ना। 12 बजे जन्म के बाद में हम भगवान को भोग लगा के, तुलसी दल डाल के, भोग मंत्र बोल के हम सब भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रसाद ग्रहण करते हैं। पूजा की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले भगवान को, जैसे आज हमने 256 भोग लगाए हैं, वो भगवान को भोग लगाया जाएगा। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद में वो सारा भोग जो हमारे किचन में, रसोई में जो भगवान के लिए प्रसाद बना है, उसमें मिला के सभी भक्तों को बांटा जाएगा और उसके बाद हम सब भक्त रात में 12:30-1 बजे वह प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो शिखा, 256 प्रकार के जो पकवान है वो बनाए गए थे और सुबह से ही उनका जो भोग है वो लग रहा है, श्रद्धालु यहाँ पे सुबह से ही आए हुए हैं। रितेश जी, मैं आपसे और भी कुछ पूछना चाहूंगा कि अब कितना समय, क्योंकि 12 बजे का समय, बल्लभदास जी, 12 बजे का समय है जन्म होने का, तो क्या तब अब से लेकर के तब तक इसी तरह से जो श्रद्धालु है वो दर्शन करते रहेंगे या कुछ और भी कार्यक्रम होने? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, आज कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि अभी शाम को 6 बजे के बाद, आधे पौन घंटे के बाद से ही लेके रात में 12 बजे तक कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जैसे कि उसके अंतर्गत में अभी आप देख सकते हैं कौन बनेगा कृष्णा डिवोटी, एक क्विज शो है जो कि इस्कॉन यूथ फोरम और प्रहलाद क्लासेस द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें कृष्ण से संबंधित प्रश्न पूछने पर और सही उत्तर देने पर मंदिर अध्यक्ष श्रीमान अपरमे श्यामदास प्रभु जी के माध्यम से उनको पुस्तक या अनुपहार भी दे जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जो हमारा युवा भटक गया है, 47% युवा डिप्रेशन में जा चुका है, तो इस्कॉन ने एक बीड़ा उठाया है कि उनको वो डिप्रेशन से बाहर निकाल के सही मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे जोड़ना है। साथ ही साथ एक माता जी है 90 वर्षीय, वो भगवान का बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत करेंगी, 90 वर्ष ओल्ड लेडी है वो, तो एक वह भी एक्टिविटी होगी। इसके अलावा बच्चों के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि इस्कॉन यूथ फोरम और इस्कॉन गर्ल फोरम IGF उसके माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। फिर शाम को 8 बजे के बाद मंदिर अध्यक्ष श्रीमान अपरमे श्यामदास प्रभु जी के मुखमंडल से हम लोग एक प्रवचन और आज की कथा कि आज जन्माष्टमी का क्या महत्व है वो आपको सुनने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे आनंदमय कार्यक्रम आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। बिल्कुल आनंदमय कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ही आनंद जो है वो जाहिर तौर पर मिल रहा है। नितिन, मेरा एक सवाल और है जी, रामा हरे कृष्णा के जो जी, नितिन मेरा एक सवाल और है, हम चाहेंगे कि आप पुजारी जी से जानिए कि जिस तरह से मथुरा वृंदावन में आज जन्मोत्सव होगा, जन्म कराया जाएगा श्री कृष्ण भगवान का, तो क्या उसी तरह से इस इस्कॉन टेंपल में भी जन्म कराया जाएगा, और जो श्रद्धालु अपने घर में भगवान जी का जन्म कराना चाहते हैं वो किन विधि विधान के साथ जन्म करा सकते हैं अपने घर पे? आपका सवाल मैं नहीं सुन पाया, कृपया सवाल दोहराएं जी। नितिन, जिस तरह से मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है पूरे विधि विधान से, फिर उनका अभिषेक कराया जाता है, तो उसी तरह से लोग अपने घर पे भी जन्म कराते हैं, तो उसकी क्या विधि विधान होने चाहिए, और इस्कॉन टेम्पल में भी क्या उसी तरह से जन्म कराया जाएगा ठीक रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का?
मैं आपके सवाल को सीधे जो एक्सपर्ट है, क्योंकि एक्सपर्ट ही कहेंगे उन्हें, क्योंकि ज्यादा जानकारी वही दे सकते हैं। मेरा एक सवाल और है आपसे, एक सवाल और है आपसे, क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त हैं जो अपने घरों पर भी भगवान कृष्ण का जन्म कराते हैं, तो क्या उसकी प्रक्रिया होती है, उसका क्या तरीका होता है, क्या वो भी बताने की कोशिश। देखिए, भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान को प्रेम देना है, प्रेम चाहिए। तो जो भगवान का जन्म घर में भी मना रहे हैं, तो भगवान अवतार रूप में उनको भी ये सेवा का अवसर दे रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, भक्त जो अपने घर में जन्म मनाते हैं, वो खीरे को काट के उसको भगवान के जन्म के लिए एक प्रस्तुत करते हैं, अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग दही से अभिषेक करके, शहद से अभिषेक करके ही मनाते हैं। तो ऐसी कई हमारे हिंदू धर्म में परंपराएं हैं जिससे हम लोग उनका जन्म उत्सव प्रेम पूर्वक मनाते हैं। तो शिखा, आपने प्रक्रिया सुन ली कि किस तरह से जन्म मनाया जाए, या जन्म आपकी प्रक्रिया अगर कोई कर रहा है तो कैसे उसे करना है। लेकिन तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, तो यहाँ पर देखिए सुबह से ही ये जो भक्त हैं ये आए हुए हैं, और इनका जो आने का सिलसिला है वो लगातार बदस्तूर जारी है। एक के बाद एक बड़े पैमाने पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और जो मेन मूर्ति है, मेन प्रतिमा है भगवान श्री कृष्ण और राधा माता की, देखिए बिल्कुल सामने उनकी जो उनके जो दर्शन है वो करने की कोशिश है, उनकी प्रस्तुत की जा रही है। लगातार बड़े पैमाने पर श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं सुबह से, और लगातार उनका जो आने का सिलसिला है वो बदस्तूर उसी तरह से जी। नितिन, अगर बात करी जाए भक्तों की, तो भक्त सुबह से ही कतारों में लगकर भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं मंदिर। अगर बात करी जाए रात 12 बजे तो जन्म कराया ही जाएगा, लेकिन मंदिर कितने बजे तक खुला रहेगा? देखिए, मंदिर की बात करी जाए तो जाहिर सी बात है, अभी जिस तरह से हमारी बात हुई है रितेश जी से, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जन्म होगा, जन्म के बाद अभिषेक होगा, और अभिषेक के दौरान या उसके बाद जितने भी यहाँ पर जो मेन पुरोहित हैं, मेन पंडित जो हैं यहाँ के इस मंदिर के, जिन्होंने आज सारे दिन का व्रत रखा हुआ है, वो जो भोग लगाया हुआ प्रसाद है उसको ग्रहण करेंगे। और उसके बाद अगर मंदिर की बात करी जाए तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक के बाद एक कई सारे बड़े कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं अभी 6 बजे के बाद से ही, तो कार्यक्रमों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती रहेगी। और इसी तरह से आने वाले समय में भी अगर मंदिर की बात करी जाए तो मंदिर 12 बजे के बाद भी खुला रहेगा, और 12 बजे ही असली भीड़ और 12 बजे ही असली श्रद्धालु, 12 बजे ही लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर इकट्ठा होंगे। जी नितिन, अगर बात करी जाए प्रतिमाओं की, तो या इस मंदिर में सिर्फ राधा कृष्ण की प्रतिमा है, या फिर और देवी देवताओं को भी स्थापित किया गया है, और क्या भगवान श्री कृष्ण के अन्य रूप भी देखने को मिल रहे हैं इस मंदिर में? हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को दिखाएं भगवान श्री कृष्ण के अन्य रूप जो इस मंदिर में मौजूद है। देखिए, अभी हम जिस मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं वहाँ पर ये पहली तस्वीर है, जो कि सबसे प्रमुख तस्वीर और सबसे प्रमुख प्रतिमा है भगवान श्री कृष्ण की। और उसके अलावा अगर यहाँ पर प्रतिमाओं की बात करें तो दूसरी कोई ऐसी प्रमुख प्रतिमा तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक दूसरी चीज मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि सामने जो भक्त वेदांता स्वामी प्रबुद्धा है उनकी यहाँ पर तस्वीर जो है वो बनी हुई है। और उसके अलावा देखिए, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मीडिया कवरेज के लिए भी कवरेज ना दी जाए, और साफ तौर पर देखिए कई लोग जो है वो और हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आज श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव है, क्या कहना? ये हमारे देश और दुनिया ये सबका सौभाग्य का दिन है कि परमात्मा हमारी धरती पर अवतरित होकर हम सब पर कृपा बरसा रहे हैं, और हमारा सबका कर्म और धर्म यही भी है कि हम अपने परमात्मा की शरणागत रहें, उनकी उनके अनुग्रह का हम सब लोग सदैव स्मरण रखें और उनके कृपा के पात्र बने रहें। और इतना बड़ा भव्य मंदिर हमारे यहाँ बन रहा है लखनऊ में, ये हमारे सबके सौभाग्य की बात है कि हमारे लखनऊ की बड़ी उपलब्धि है, और इससे हमारा हमारे लखनऊ का धर्म कर्म और लोगों की उपासना पूजा पद्धति ये बहुत बड़े व्यापक तरीके से अपने समय पर जाएगी, हमारा ये कहना है। और हम अहिनवार धाम सिद्धपीठ, देवराज अहिनवार सिद्धपीठ के नौ के हम पीठाधीश हैं, और उस नाते हमारा पारिवारिक मंदिर है, हमारी पारिवारिक परंपरा है, इसको निर्वहन करने में आप माध्यम से पूरे सब लोगों को हमको प्रणाम करने का अवसर मिला, इसके लिए आपको भी धन्यवाद देते हैं।
तो देखा आपने साफ तौर पर कि दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए और सब अपने अपने तरीके से पूजा कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से भगवान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, श्री कृष्ण को मनाने की आज कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल नितिन, और जिस तरह से यहाँ पे भीड़ भी देखने को मिल रही है भक्तों की, भक्तों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर, हम चाहेंगे आप कुछ लोगों से बात करें और जाने कि जिस तरह से वातावरण हो रखा है हरे कृष्णा हरे रामा का, सभी लोग कृष्णमय हो रखे हैं, तो किस तरह से उनको कृष्ण भक्ति की आस लीला जो देखने को मिली है अभी तक, जो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण में उनकी आस्था है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से हमारी बात हो सके, और पहले तो हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आप देखिए बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं, और साफ तौर पर वो एक लंबे समय से जो सुबह से ही जो पूजा अर्चन का काम है वो अपना करने की कोशिश कर रहे थे, अपने भगवान को मनाने की कोशिश कर रहे थे श्री कृष्ण जन्माष्टमी में, बड़े पैमाने पर वो लोग जो दर्शन है वो करने का प्रयास कर रहे थे, और साफ तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं ये कोशिश सबकी है कि किसी भी तरह से आज के दिन को भव्य बनाया जाए। मंदिर को बहुत खूबसूरत सजाया गया है, चाहे वो बाहर से लेकर के अंदर की बात करी जाए, सारे एंट्री पॉइंट और जो एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर बढ़िया प्रोटोकॉल और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों से अगर हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करें, क्योंकि सबके सब अपने अपने जो अपने अपने तरीके से अपने ईश्वर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उनसे बात करने की कोशिश करी जाए तो मैं साफ तौर पर देखिए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सबके घर में आनंद भरा रहे और सबका परिवार सुखी रहे। जय कृष्ण। देखिए साफ तौर पर सबका अपना अपना मत है और हर कोई चाहता है कि किसी भी तरह से अपने जो ईश्वर हैं उनको मनाने की कोशिश की जाए, अपने ईश्वर को किसी भी तरह से जो आज का दिन है उसे और कैसे बेहतर किसे और अच्छा करने की कोशिश करी जाए। साफ तौर पर मैं एक तस्वीर और आपको सीधा दिखाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि गौशालों की बात होती है, आप देखिए बिल्कुल कृष्ण मंदिर के बिल्कुल बगल में, इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल बगल में देखिए यहाँ पर गौशाला है, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो गायें हैं वो भी आज के दिन को मनाती हुई नजर आ रही हैं, और साफ तौर पर जब कृष्ण जी का नाम होता है तो उसमें दूध दही मक्खन का भी जिक्र आता है, और उसके लिए अगर गाय माता का जिक्र ना हो या गाय माता ना आए तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो अधूरी हैं। और एक बार फिर से अगर मैं आपको अभिषेक की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो अभिषेक इस वक्त है वो लगातार जारी है, और लोग जो हैं वो अभिषेक इस वक्त देखिए सामने की तस्वीरों में कर रहे हैं। जी बिल्कुल नितिन, अगर बात करी जाए बाल गोपाल की, छोटे बच्चों की, तो वो बाल गोपाल के रूप में नजर आते हैं, कि मंदिर में भी कुछ बच्चे ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो राधा कृष्ण की वेशभूषा में पहुंचे हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रतियोगिता भी कराई गई है कि सबसे बड़ा कृष्णा कौन, उसके लिए जो बच्चे हैं वो बड़े पैमाने पर तैयारी अपनी कर रहे थे काफी दिनों से और आज भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ ऐसे, हाँ मैं आपको एक तस्वीर दिखाना जरूर चाहूंगा, एक बच्चा जो है वो भगवान कृष्ण की जो तस्वीर की तरह ही बिल्कुल से आपको दिखेगा, आप देखिए बिल्कुल सामने की तरफ एक बच्चा, ये भगवान कृष्ण की तरीके उसने अपनी जो पोशाक है वो पहनी हुई है, उसके घर वालों ने पहनाई हुई है, और वो उस वक्त जो भजन हो रहे हैं उन भजन में खुद को एकदम रमा हुआ महसूस कर रहा है शिका। जी बिल्कुल, बाल गोपाल की प्रतिमा कहीं ना कहीं देखने को मिली, झलक देखने को मिल रही है छोटे छोटे बच्चों में, आज छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण बनाया जाएगा, राधा बनाया जाएगा, और कहीं ना कहीं देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ है सभी आस्था का जो समागम देखने को मिल रहा है, काफी इसको बयां करना कहीं ना कहीं मुश्किल है। और नितिन अगर बात करी जाए टूरिस्ट की, क्योंकि जो देश विदेश से लोग आते हैं, तो अगर जो लखनऊ आए हुए हैं तो क्या ऐसे लोग भी मिले जो कि विदेशों से आए हुए हैं और इस्कॉन टेम्पल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं? देखिए इस्कॉन टेम्पल की अगर बात करी जाए तो इस्कॉन टेम्पल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंदिर है, और इसकी जो शाखाएं हैं वो दूसरे दूसरे देशों में हैं, विदेशों में बड़े पैमाने पर है, और इसमें ज़्यादातर जो उनके भक्त हैं वो विदेशों से ही आते हैं। ऐसे में अगर इस मंदिर की बात करी जाए तो यहाँ पर जो मेन जो पुरोहित हैं, जो पंडित हैं, वो यहाँ के ज़्यादातर विदेशों से ही आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय संस्कृति और अगर कहा जाए तो प्रदेश की जनता जो है वो ज़्यादातर आई हुई है, और इस वक्त
राजधानी लखनऊ के आसपास के लोग हैं, राजधानी लखनऊ के लोग हैं, दूर थोड़े अगल बगल के जिलों के जो भक्त हैं वो आए हुए हैं और वो इस वक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा पर के पास जा करके वहाँ पर पूजा अर्चन कर रहे हैं और किस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी को और अच्छे से मनाना है, अपने भगवान को कैसे मनाना है वो पूरी कोशिश उनकी तरफ से जारी है। जी बिल्कुल देते हैं ना, नजर बनाए रखिए हर एक भक्त पर और भक्त की भक्ति पर श्री कृष्ण का जन्म होगा और कई तरह के कार्यक्रम भी रखे गए हैं, सब पे नजर बनाए रखिए, हमें अपडेट देते रहिएगा। और इसी तरह से आज रात तक इसी तरह से उत्सव मनाया जाएगा श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण की भक्ति में सब लीन रहेंगे और प्राइम टीवी भी अपने दर्शकों को एक एक पल की अपडेट देता रहेगा। अलग अलग मंदिरों के बारे में अलग अलग मंदिरों की झांकियां दिखाई जाएंगी आपको प्राइम टीवी पर और भक्तों से भी जाना जाएगा कि वो उनको कैसा महसूस हो रहा है आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस जन्मोत्सव को लेकर सब में अलग ही उत्साह उल्लास देखने को मिल रहा है। अपने घर के बच्चों को लोग कृष्ण राधा बना रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, उनकी पूजा की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, अब बस इंतजार है रात के 12 बजने का जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहां पर हम आपको हर मंदिर के दर्शन कराते रहे।